टेस्ट मैच एक ऐसा फॉर्मेट है जो सही मायने में प्लेयर्स के टेम्परामेंट और टेक्निक को टेस्ट करता है। एक महान खिलाड़ी वही है जो खेल के इस फॉर्मेट में रन्स मार सके। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एशिया के 6 ओपनर्स ने साउथ अफ्रीका में सेंचुरी मारा है, 14 ने इंग्लैंड में और 10 ने ऑस्ट्रेलिया में। इस पूरे वेन डायग्राम में सिर्फ 2 नाम कॉमन है, पहला सईद अनवर और दूसरा KL राहुल। 6 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई तो उस 2016 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में राहुल की बैटिंग देखने लायक थी। वो बॉल को कितने प्यारे तरीके से टाइम कर रहे थे। 65 के एवरेज के साथ वो 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर थे। सभी को उनमें देश का फ्यूचर दिख रहा था। उस वक्त किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि 6 साल बाद उनके फॉर्म, करियर और टीम में जगह पर इस तरह सवाल उठेंगे। ।2016-17 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 4 अलग पिचेस पर खेली गई थी। उसमें से 3 बहुत ही चैलेंजिंग पिच थे। ऑस्ट्रेलिया के पास उस वक्त का सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप था। उस सीरीज में राहुल का स्कोर 64-10, 90-51, 67-51 नॉट आउट था। स्टीव स्मिथ और चेतेश्वर पुजारा के बाद 65 के एवरेज के साथ वो 3rd हाईएस्ट स्कोरर थे। इससे पहले अपने 14 इनिंग्स में राहुल ने 10 बार अर्धशतक मारा था। उस वक्त राहुल तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी मार चुके थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कुछ भी कर सकते हैं। और 6 साल बाद आलम यह है कि टीम में उनके जगह पर सवाल या निशान उठ रहे हैं। जहां कुछ साल पहले वो इंडियन क्रिकेट के नए सितारे के रूप में देखे जा रहे थे, अब उनके ही सितारे गर्दिश में दिख रहे हैं। इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, ये बस एक फेज है जो वक्त के साथ गुजर जाएगा। राहुल की पोटेंशियल से सभी वाकिफ हैं। ये वही खिलाड़ी है जिसने IPL में 14 बॉल में अपना अर्धशतक मारा था और टेस्ट क्रिकेट में लॉर्ड्स के मुश्किल पिच पे 108 बॉल बाद पहला चौका मार के अपने शतक का बुनियाद रखा। KL राहुल एक वर्सेटाइल प्लेयर हैं। कभी बस एक हल्के से फ्लिक से लंबे लंबे छक्के मारते हैं तो कभी 4th स्टंप लाइन के बॉल को एकदम लास्ट मिनट पे लीव करते हैं। लेकिन कभी कभी आपका सबसे बेहतरीन कला ही आपका दुश्मन बन जाता है। आज के दौर में जहां क्रिकेट का तीनों फॉर्मेट प्रचलित है, वहीं हर क्रिकेटर की जिम्मेदारी है कि वो अपने खेल को इस तरह ढाले कि हर फॉर्मेट में वो खुद को बड़े ही आसानी से अडेप्ट कर सके। पर ये बात जितना सुनने में आसान लगता है, उतना ही खिलाड़ियों के लिए हासिल कर पाना मुश्किल। विराट कोहली का टेस्ट और T20 में बैटिंग करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। वो 2 फॉर्मेट्स जिसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसमें राहुल की बैटिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है। शायद इसी वजह से जब साल 2018 के IPL में राहुल 158 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, तो वहीं उस साल टेस्ट क्रिकेट में उनका बहुत बुरा प्रदर्शन था। 12 टेस्ट में उन्होंने सिर्फ 468 रन बनाया था विथ एन एवरेज ऑफ 22.28। बस यही नहीं कि वो लगातार रन्स नहीं मार पा रहे थे, बल्कि उनकी टेक्निक में खामी दिखनी शुरू हो गई। वो बैट के दोनों साइड एज खा रहे थे। उसी तरह ये बस इत्तेफाक नहीं हो सकता कि साल 2021 राहुल के टेस्ट करियर का सबसे बेहतरीन साल था, जहां उन्होंने लॉर्ड्स और सेंचुरियन में मास्टर क्लास सेंचुरी मारा। वो बॉल को बहुत ही प्यारे तरीके से लीव कर रहे थे, पर ये वो किस कीमत पर कर पा रहे थे। उस साल उनके T20 क्रिकेट की बैटिंग टेक्निक में बहुत फर्क देखने को मिला। इनिंग्स के शुरुआत में वो कम से कम रिस्क ले रहे थे, जिसके वजह से उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लेकिन जब आप तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, तब सभी लोगों को संतुष्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। राहुल का टेस्ट कमबैक बड़ा शानदार रहा, जहां 2021 के शुरू होने से पहले वो टेस्ट के प्लेइंग 11 में दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे, वहीं 2022 के शुरू होते होते वो टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे थे। 2022 के आखिर में भी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचेस में कप्तानी किया, और जैसे ही वो इंडियन क्रिकेट में ओहदे के स्तर पर शिखर पे थे, उनका फॉर्म पूरी तरह से गिर गया। 2022 के 8 इनिंग्स में उनका एवरेज महज 17.12 था, उसमें सिर्फ 1 अर्धशतक। मुझे पता है एक बैट्समैन को मापने के लिए 4 टेस्ट और 8 इनिंग्स ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज नहीं है, पर अमूमन इंडियन बैट्समैन को इतने मौके नहीं मिलते हैं, और वो भी तब जब शुभमन गिल जैसे इनफॉर्म बैट्समैन के साथ साथ प्रियांक पांचल, अभिमन्यु ईश्वरन जैसे प्लेयर बेंच पे अपने मौके का इंतज़ार कर रहे हो।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जब इंडिया ने 115 का चेज शुरू किया था, राहुल पे प्रेशर जरूर होगा क्योंकि पिछले 9 इनिंग्स में उनका टॉप स्कोर 23 रन ही था। अपने तीसरे ही बॉल पे बैकफुट जाके राहुल ने बल्ले की मिडिल से फ्लिक किया, लेकिन जब चीजें आपके हिसाब से ना चल रही हो तब क्या ही किया जा सकता है। बॉल पीटर हैंडस्कॉम के पैर से बाउंस लेके कीपर के दस्ताने में। अब जब तीसरे टेस्ट मैच में उन्हें वाइस कैप्टन के पद से हटा दिया गया तो ये मुमकिन है कि राहुल टीम के प्लेइंग 11 में अभी ना दिखे। मौका इन फॉर्म ओपनर शुभमन गिल को दिया जाएगा जो एक अलग ही जोन में बैटिंग कर रहे हैं। इट्स नॉट राहुल वर्सेस गिल, इसमें कोई शक नहीं कि राहुल वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स हैं, इफ नॉट दी, पर अभी उनके फॉर्म को देखते हुए युवा बल्लेबाज को चांस मिलना चाहिए। पर राहुल कमबैक जरूर करेंगे और हमें उसका इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।